आप इधर देखिए संतोष जी, हम इधर देखते हैं। जाओ आदमी, इधर आ जाओ, उधर। वेट 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 वेट, कम 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 कहे, कम फास्ट। हमारा एर्थ सेंस कहता है, सिक्स सेंस कहता है। हाँ, नॉर्मल लोगों का सिक्स सेंस। वही रजनी सर का फैन ना, मेरा सेंस 11 2 टाइम्स फास्टर। हे बाप रे। तो हमारा एर्थ सेंस कहता कि चोर साइड पीस, चोर। हमको लगता वो चोर ऐसा छुपा होगा, ऐसा आया होगा, है ना, बाइक पे बैठा होगा। भाई तुम बीच में क्यों आता? हाँ, बाइक पे बैठा, बाइक स्टार्ट किया और फिर ब्रर करके साइड से निकल गया होगा। अटो 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 अटो, ऐसे समझा? करूँ क्या? करूँ मैं आपके ब्रिलियंसी का? मतलब एग्जिट लेफ्ट में है, आपने फिर भी एग्जिट राइट में लिया, कैसे? हम ने बोला राइट में एग्जिट होता तो राइट में होता, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज क्यूट। बिल्लू जी, राइट राइट राइट। मैडम, बाइक लेकर कैसे गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? बाइक वापस कैसे आएगी, ये इम्पोर्टेंट है ना? तो देखिए देखिए, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे आते आते हमने सिक्योरिटी गार्ड को कह दिया कि यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी फुटेज कल सुबह थाने में आ जाएगी, तो उससे पता चल जाएगा कि आपकी बाइक किसने चुराई। तो जिससे हम लोग को पता चलेगा, हम लोग आपको बता देंगे। है? जी डिटो, समझा? जी जी। ओके स्टार, कम ऑन। स्टार टिंग टिंग। थक गई हो ना? गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध पियो, आराम आ जाएगा। तो कैसी रही शूटिंग? कैसा चल रहा है बिजली रानी का भौकाल? क्या खाक बिजली रानी, कहीं की बिजली रानी, जहाँ जाती है नाचती रहती है, बिजली का बिल भरने जा रही तो भी नाचती रहती है, नहीं मतलब किसी से सब्जी खरीदने जा रही तो भी नाचती रहती है, क्या है? अरे रोल है, करना पड़ता है। अच्छा तो करना ही था तो चेन्नई बुरा था क्या आपकी लाडली नौटंकी के लिए? हमारी जान खाने का आ गई है वो। लगता है ये शूटिंग वाली मेहनत बहुत भारी पड़ रही है तुमको। बहुत आसान लगता था ना करीना का काम तुमको, हाँ? अब पता चला कितनी मशक्कत करनी पड़ती है इस काम के लिए उसको। अरे अभी नहीं, इतनी आसान बात नहीं है। अरे हमसे पूछो। हमें अभी शूटिंग का बात नहीं करना है, थक गए हैं, हमारी आंखें थक गई है पूरे दिन लाइटों के आगे खड़े खड़े। 4 किलो का मेकअप लगा देते हैं, 10 किलो का पूरा ये ड्रेस पहना देते हैं, ऐसा लगता है जैसे शूटिंग पे नहीं जा रहे हैं, हम किसी जंग पे लड़ने जा रहे हैं। शरीर हमारा पूरा टूट गया। पर क्या काम है? हलवा, एकदम हलवा है, मतलब हम एक टेक में ओके करते हैं, पता है? जाने दो ना, क्यों हम शूटिंग की बातें कर रहे हैं, छोड़ो। अरे एक मिनट अम्मा, क्यों नहीं शूटिंग का बात कर रहे हैं? शूटिंग मतलब कैसा होता है पता है, जैसे बारात जा रही हो और उसमें लड़के वाले और लड़की वाले दोनों आपकी सेवा करते रहते हैं, एकदम मौज। बोलो, शूटिंग मत बोलो उसको, मौज बोलो, मौज है तुम्हारा शूटिंग, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, तो तुम्हारा ड्यूटी पे भी मैं कितना मौज करता, लगता ही नहीं कि मैं ड्यूटी पर होता। सुपर फैंटास्टिक, मतलब सब कितना वैल्यू देता और कितना आराम। अब वो बाइक चोरी का केस कितना इजी होता, मतलब वो लोकेशन पे जाना जहाँ बाइक चोरी होता मॉल में, वहां जाके सीसीटीवी फुटेज मांगना। हमको सीसीटीवी फुटेज चाहिए, उसके बाद कल चोर मेरी पॉकेट में होता। इतना इजी, इतना सिंपल। ओ गॉड, लेकिन क्या है ये? एक वो तुम्हारी बहन है जिसको ये लिपा पोती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और तुम रात को सोते समय भी ये कुछ ना कुछ पोत रही हो चेहरे पे। अयो अम्मा, कल इंडिपेंडेंस डे होता तो मेरे को अपना कंट्री जैसा ब्यूटीफुल लगना होता। और गुरुजी, ये मेकअप नहीं, ये नाइट क्रीम होता। तुम इसकी तो... मैया की सासू मई, वो भी ना तुम्हारी तरह दिन भर काम करके बहुत थक गई है, दूध भी नहीं पिया। किसने लिखा ये? हाय मैया की सासू मैया,
किसका जिंदगी से संबंध खराब हुआ है? किसने किया ये टोपागिरी? बताओ हमें। इकबाल, बिल्लू, तुम लोगों ने लिखा ये, सच सच बताओ। बताओ वरना आजादी के दिन तुम्हारे प्राणों को तुम्हारे शरीर से आजाद कर देंगे, समझे? मेरा हरकत मैं किया। जय हिंद, जय हिंद। मैं पहले ही समझ जाना चाहिए था कि हरकत किसका है। तुम्हारे अलावा और कौन ऐसा बुद्धिहीन हरकत कर सकता है? ये क्या लिखा है तुमने कि लड्डू खाओ घर जाओ, क्या मतलब है इस बकवास का? होल्ड होल्ड, आई एक्सप्लेन। आज क्या होता? इंडिपेंडेंस डे होता ना। इंडिपेंडेंस मींस आजादी, मतलब नो फाउंडेशन, नो बैरिकेड। इसलिए मैं यहाँ लिखवाया कि लड्डू खाओ और घर जाओ, ताकि लोग जो है आजादी से अपने घर वालों के साथ इंडिपेंडेंस डे बना सके, एंजॉय कर सके, खाना खा सके, पानी पी सके, सॉफ्ट ड्रिंक पी सके। इसलिए मैं ये लिखवाया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ हाँ मैडम सर, हमने भी सोच लिया ना, हम कोई काम नहीं करेंगे, पूरा दिन मस्ती करेंगे। और ये देखिए पिक्चर देखे हम लोग, टिकट लेके आए हैं, मेरे लिए भी लाए हो? हाँ देखो ना, इसमें होटल में खाना भी खाएंगे। ये बलून, ये फ्लेक्स, ये लड्डू, ये फूल, ये सब स्पॉन्सर बाय इकबाल। तुम्हारी मैं रुक जाइए करिश्मा सिंह, इसमें इनकी कोई गलती है ही नहीं। हाँ हाँ, हम भी समझते हैं कि ये जश्न मनाने का दिन है। बहुत से लोग आज के इस दिन को सिर्फ एक छुट्टी का दिन मानते हैं और कुछ नहीं। बहुत आसानी से मुफ्त में मिल गई ना आजादी, इसीलिए। अगर इन सब ने भी हमारे देश के शूरवीरों की तरह जंग की होती, लड़ाई की होती, अपने देश के लिए न जाने क्या क्या झेला होता, सैक्रिफाइसेस किए होते, तब जाकर इन्हें असली आजादी का मतलब और अहमियत समझ में भी आता। क्रांति का जरूरत आज भी है, पर उसके मायने बदल गए हैं। क्रांति का मतलब ये नहीं कि 100 मशाल या 1000 योद्धाओं के फौज का जरूरत हो। क्रांति के लिए एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा संकल्प और फिर बड़ी क्रांति का आगाज होता है। संकल्प, आज से हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे देश के मान सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचे। संकल्प, ना तो हम रिश्वत लेंगे ना तो रिश्वत देंगे। संकल्प कि हमारे रहते हमारे दायरे में कभी भी कोई भी औरत असुरक्षित नहीं होगी। आज से ये सोच बंद कि हमारा देश हमारे लिए क्या करता है। आज से सब यही सोचेंगे कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। आज इस शपथ के साथ, इस वादे के साथ हम अपना राष्ट्र ध्वज लहराएं कि हम अपनी आखिरी सांस तक अपने देश की रक्षा और अपने देश की उन्नति के लिए कोशिश करते रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया के सामने हमारे देश का गौरव और सम्मान कभी झुकेगा नहीं। नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। वाह, अब जाके सांस आया है हमारे शरीर में। मतलब अपना घर, अपना थाना, अपना कर्म भूमि, इसी जगह के लिए पैदा हुए हैं मैडम सर हम। और आपने हमें कहाँ भेज दिया उस फुलझड़ी की शूटिंग में? इससे अच्छा तो हमारा ट्रांसफर किसी जंगल में हो जाता ना, वो भी चलता हमारे लिए। करिश्मा सिंह देखिए, अपनी अपनी जमीन, अपनी अपनी जड़ें, और अब नई जमीन पर जड़ें बनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, डोंट वरी, हो जाएगा। आप बताइए क्या जरूरी काम था? जी मैडम सर, वो जो बाइक चोरी का केस चल रहा है थाना में, हम उसी सिलसिले में आपसे बात करने आए हैं। मोतीगंज थाना में हमने बात किया, वहाँ पता किया कि वहाँ पे भी बाइक चोरी का ही केस आया। बाइक की कंपनी का नाम सेम, ओनी बाइक्स, और चोरी करने का तरीका भी सेम है, पार्किंग लॉट में जाके चोरी करना। और खुदाई किया मैडम सर हमने, तो हमें पता चला कि पिछले 4 दिनों में 4 बाइक चोरी हुआ है। अच्छा जी, आपकी इस नई इन्फॉर्मेशन से हमें ऐसा लग रहा है कि कोई एक चोरी का गिरोह है जो सिर्फ इस ओनी बाइक्स नाम की कंपनी की ही लेटेस्ट बाइक्स और मॉडल्स को टारगेट कर रहा है, सिर्फ उन्हीं की बाइक्स चोरी कर रहा है। 4 दिनों में 4 बाइक्स चोरी होना मैडम सर, ये हमारे कानून व्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है।
हमें पता करना होगा कि इसके पीछे कौन है। बात अगर ऊपर तक गया तो मैडम सर हमारे थाने का छवि खराब होगा। हमें कुछ करना पड़ेगा और पता करना होगा कि इसके पीछे कौन है। सही कहा आपने। इनफैक्ट अभी अभी हमारे पास विजय मॉल का फुटेज आया है, सीसीटीवी फुटेज, उसको हम अच्छे से चेक करते हैं। हो सकता है कोई सुराग मिल जाए या हो सकता है कि चोर की पहचान ही हो जाए। बहुत बढ़िया, हम बहुत सही समय पे आए हैं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। देखिए करिश्मा सिंह, आप थाने में नहीं है फिर भी आपका काम के लिए जो कंसर्न है, जो आपका जज्बा है ड्यूटी के लिए, उससे हम बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन आप दो नाव में पैर रखकर किनारे तक नहीं पहुंच सकती हैं। आप जाइए, शूटिंग संभालिए, हम यहाँ पर केस संभाल लेंगे। नहीं नहीं मैडम सर, आपको हमारे मुखबिर संपर्कों का जरूरत पड़ने वाला है। हमें आपके साथ रखिए, हम आपके साथ रहेंगे। करिश्मा सिंह, अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे, लेकिन आप फिलहाल जाइए और शूटिंग संभालिए प्लीज। दैट्स एन ऑर्डर। जय हिंद। जय। बदनाम बदनाम जब कभी देखो ना गले पे रहता ही नहीं, जब देखो अपने बीबी के पल्लू में छुपा रहता है। और तुम क्या लिख रहे हो, रेजिग्नेशन लेटर है? जब जब मुंह खोलेगा भाग से कुछ फालतू बोल देगा। मैडम सर को अर्जी लिख रहे हैं, काहे कि हमको 22 तारीख को छुट्टी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है उस दिन। ओ माय गॉड, 22 तारीख को? मतलब तू अपनी किडनी का ऑपरेशन करेगा 22 तारीख को, उसको बेचेगा और उससे मुझे गोल्डन चैन दिलवाएगा? नहीं बिल्ले, किडनी को बेचेगा, दिमाग बेचेगा, उसका यूज नहीं करता ना। तो वो है कहाँ? बस रे बकलोल, सब जब मुंह खोलेगा सब भक से कुछ ना कुछ फालतू बोल देगा सब। अरे अर्जी लिख रहे हैं मैडम सर को, भाई उस दिन उनको छुट्टी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है उस दिन। ये तो है, इसलिए मैं भी 22 अगस्त को छुट्टी ले रही हूँ, है ना? ये सेम टू सेम। अरे हाँ हाँ, हम भी भूल गए भाई, जो खाना है समोसा बिरयानी चाय जो भी खाना है खा लो, कि 22 को हमारी दुकानें बंद रहेंगी। एक मिनट, ऐसा क्या है 22 तारीख को भाई? किसी खजाने का दरवाजा खुलने वाला है क्या? करेक्ट, एकदम सही भापी हैं आप पुष्पा जी, एकदम सही भापी हैं आप। खुल जा सिमसिम होने वाला है पुष्पा जी। अरे यार याद आया, 22 अगस्त से अली बाबा अपने 40 चोर के साथ आने वाले है। एक मिनट, ये देखो दिखा दिखा दिखा, ये देखो। जब परवाज में 40 चोरों का खौफ हुआ करता था, उनके सरगना का नाम जानते हो? इबलिस। सारी दुनिया देखेगी जब हम लिखेंगे दास्ताने काबुल। बढ़िया, कहानी वही है लेकिन अंदाज नया है, असर वही, रोमांच नया। 22 अगस्त से सोमवार से शनिवार रात ठीक 8 बजे सिर्फ सोनी सब पे। आप तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम रिक्वेस्ट करके छुट्टी ले ही लेंगे मैडम सर से। ये क्या किया तुमने? तुम्हें ऐसा काम कर कैसे सकती हो? क्या लगता है तुम्हें, मजाक चल रहा है यहाँ पर? देखो हमारे लिए हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है। क्या 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 हुआ मैडम सर, आप क्या किया इसने? पूछिए, इसी से पूछिए, बताओ क्या किया है तुमने? तुम तो बोलता तुमको गुस्सा नहीं आता, पर तुम कितना गुस्सा करता। देखो तुम दिमाग, चुप रहो तुम। देखो तुम, क्या हुआ, क्या किया तुमने? वो मई, अरे वो मई जून छोड़ो, पहले बताओ क्या किया तुमने, बताओ। वही बताता कि मई अपना फुटेज देखता, वो टकली जासूस मेरा इतना गंदी फुटेज लिया तो मई वो डिलीट किया। मेरे को लगा दूसरा फोल्डर में मेरा अच्छा वाला फुटेज होगा। बाद में मेरे को पता चला कि जो मई डिलीट किया ना, उसमें वो जो सीसीटीवी फुटेज था वो था। हाँ, वो डिलीट हो गया, सब वॉश हो गया, सब खत्म हो गया, सब एम्प्टी हो गया। मुझसे गलती हो गया, मैं सॉरी मांगता। करीना, माफी गलती की होती है, बेवकूफी की नहीं। बेवकूफी का सिर्फ खामियाजा भुगतना पड़ता है, और तुम्हारी इस बेवकूफी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा हमारी इस इन्वेस्टिगेशन को। तुम्हें समझ में आ रहा है, 4 दिनों में 4 बाइक चोरी हो गई है, वो भी हमारे थाना क्षेत्र में से। इसका मतलब ये कि मुद्दा उठता है सीधा सीधा हमारे थाने की काबिलियत का। तुम्हारी बेवकूफ की वजह से ये सब हमें समेटना पड़ेगा जो रायता तुमने फैला है। तुम्हारे लिए क्या, तुम्हें ये एक मजाक लग रहा है, ये कोई फिल्म का फनी सा सीन लग रहा है तुम्हें? नहीं है ऐसा कुछ, हमें लगता नहीं है कि इस मामले की सीरियसनेस तुम्हें समझ में आ रही है। देखो रियलाइज होता, बहुत मिस्टेक किया, बहुत बड़ा मिस्टेक, बहुत गलती, बहुत गिल्ट, मेरे को माफी दे दो, सॉरी। मैं मुर्गा बनता, मुर्गा बन। सुनो ड्रामा मत करो तुम। संतोष शर्मा, फास्टेस्ट ऑप्शन क्या है? अब वो मॉल के सिक्योरिटी वाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके सिस्टम में 3 दिन में ऑटोमेटिकली जो फुटेजेस है वो इरेज हो जाती है।
ये फास्टेस्ट ऑप्शन दे रही हैं आप? नहीं 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 नहीं, बैकअप क्या? फुटेज का बैकअप लेने मैंने बोला था तो उन्होंने मुझे सेंड कर दिया। अच्छा, मतलब फुटेज है हमारे पास, हम देख सकते हैं? हाँ। थैंक गॉड, पहले क्यों नहीं बताया ये? जाइए लेकर आइए। वहां लेकर आती हूँ। कैसा फ्रेंड तू कोकोनट वैनिला, तेरे पास फुटेज होता फिर भी मुझे डांट पिटवाता। जरूरी था, आपको एहसास होना चाहिए ना कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। आपको पता आपकी वजह से हमारी इन्वेस्टिगेशन में कितनी प्रॉब्लम आ सकती थी। सॉरी। ठीक है ठीक है। संतोष शर्मा फुटेज दिखाइए। एक मिनट मिनट पीछे जाओ। ओ, मेरे को लगा मैं पीछे। संतोष। हाँ हाँ, कुछ पता चला क्या? पता चल जाएगा, जाएगा कहाँ, ढूंढ निकालेंगे। पुलिस सुस्त नहीं हुई आजकल क्या लगता? कौन है? ए, कौन है तुम? थाने में क्या कर रहे हो? कारे कौन है तुम? गोगो। गोगो हमारे ही थाना में खड़ा होकर हम ही को गोगो कह रहा है। मेरा नाम है सर रॉकेट गोगो। बाइक रेसर हूँ मैं ना, रॉकेट की तरह बाइक भगाता हूँ ना, इसलिए लोग मुझे रॉकेट गोगो कहते हैं। लेकिन अब लग रहा है मैं आने वाले स्टेट लेवल की बाइक रेस में हार जाऊंगा। देखो तुम हारते हो जीतते हो इससे हमें क्या है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखो तुम्हें बाइक रेस जीतनी है तो तुम धूम देखो, 1 2 3 सारे पार्ट देखो, खुद मोटिवेट हो जाओ, मेहनत करो। बिल्लो। लेकिन रेस शुरू होने से पहले तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि तुम हार जाओगे? अरे सर, जब गोगो के पास रॉकेट ही नहीं होगा तो भगाएगा क्या? मैं कंफ्यूज हूं, रॉकेट चलाता कि बाइक चलाता? किसी ने मेरी रॉकेट मतलब मेरी बाइक चुरा ली है। हाँ सर, बिना बाइक का गोगो मतलब बिना दांत का शेर। अब बाइक ही नहीं है तो दूसरे बाइकर्स के साथ मैं पैदल दौड़ूंगा क्या? तुम क्या बोली सर? हे बाबरी, यो ये क्या था? मुझे सर बोली, इतनी इज्जत दी तो गला भर आया। आप चाय बिस्किट कुछ लेंगे? बिल्ले। मैडम सर, और एक बाइक चोरी देखी। कौन सी कंपनी की बाइक थी तुम्हारी? ओनी बाइक्स मैडम। 2 दिन बाद रेस है, पूरी साल मेहनत की थी इस रेस के लिए, अब पता नहीं पार्टिसिपेट कैसे करूंगा। चोर मेरी बाइक नहीं, मेरा सपना चुरा कर ले गया। मैडम कुछ कीजिए ना प्लीज। जाहिर सी बात है कि ये चोरी भी इसी बाइक चोर ने की है जो ब्लैक ड्रेस पहनकर इस फुटेज में हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इस ब्लैक ड्रेस वाले को ढूंढे कैसे? चेहरा साफ साफ पता नहीं चल रहा है, कैसे पता लगा है इसके बारे में? पूरा लखनऊ में जितना भी ब्लैक ड्रेस में हेलमेट वाला लोग होता ना, उनको पकड़ के ऐसा अरेस्ट करके अंदर डालता। जब चोर अंदर तो बाहर चोरी कैसे होता? संतोष शर्मा, अपने साथ साथ इन्हें भी सिंगाड़े खिलाइए। एनीवेज, संतोष शर्मा एक काम कीजिए, इनके बाइक के सारे डिटेल्स निकालिए, रिपोर्ट लिखिए, और जिस एड्रेस से इनकी बाइक चोरी हुई है वहां पर जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं सबकी इन्फॉर्मेशन निकालिए, ठीक है? हाँ। आप आइए। करू? हाँ सुखी राम जी, कहिए। काहे का सुखी राम मैडम जी, एक और बाइक की चोरी हो गई है। क्या? वो भी दिन दहाड़े हमारे शोरूम से। एक बंदा आया टेस्ट राइड के बहाने, शोरूम के कंपाउंड में चला गया और फिर बाइक लेके फुर। और जब तक सेल्स वाले और सिक्योरिटी गार्ड कुछ समझ पाते तब तक वो बाइक लेके गायब। मैडम जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके होते हुए ये शहर में क्या हो रहा है? या तो दिन दहाड़े अपराध हो रहा है
क्या पुलिस कुछ कर रही है कि नहीं मैडम जी? देखिए देखिए, हम आपकी परेशानी समझते हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम इस चोर को पकड़ लेंगे। आप ये बताइए कि कब चोरी हुई है बाइक आपके शोरूम से? मैडम जी अभी अभी गया है, 2 मिनट पहले, और आपके थाने के रास्ते से ही गया है, इसलिए आपको मैंने पहले कॉल लगाया ताकि आप उसे पकड़ लो। अच्छा ठीक है, अब दिखता कैसा है, उसका हुलिया क्या है, क्या पहना है? हाँ मैडम जी, ऊपर से नीचे काला था, काला, काले जूते, काले पैंट, काला हेलमेट। क्या कर रही हो तुम अपनी जिंदगी में, ये टोपा गिरी? संतू को फोन करते हैं। हाँ संतू, हाँ थाने का कुछ खबर? खाना तो नहीं लाया आज मैं, मैडम क्वार्टर में पानी नहीं आया ना आज। तमाम जड़ बुद्धि, हाँ तुम क्या भैरी हो क्या? खाना नहीं पूछ रहे, थाना पूछ रहे, थाने का कुछ खबर? थाने का? अच्छा सॉरी, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। हाँ थाने में तो सब ठीक है मैडम, आप बताइए शूट कैसा है? हाँ वो शूट का तो मत ही पूछो, अम्मा जहाँ जाती है नाचती रहती है, माँ का मेडिकल रिपोर्ट लेने जाती है तो भी नाच रही है। माँ का सपना है कि मेरी बेटी जो है बड़े होकर डांसर बने, तो उनके सपना में भी नाच रही है, जगह जगह नाच रही है, हमारा दिमाग खराब हो गया है। ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि वो बाइक चोरी का कहाँ लीड मिला, ये बताओ हमको। लीड तो नहीं मिल रही मैडम, बाइक पे बाइक चोरी होती जा रही है और प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि डीएसपी से कभी भी थाने आएंगे और थाना बंद करके चले जाएंगे। बताओ थाने में हमारा कितना जरूरत है, और हम यहाँ ये दिवाली का लाल झालर पहन के यहाँ नाच रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, टोपागिरी चल रही है हमारी लाइफ में, हमको समझ में नहीं आ रहा। जब भी हम पूछते ना डायरेक्टर से कि एक्शन कब आएगा, तो बोलता आ रहा है, आ रहा है, एक्शन आ रहा है। शॉट रेडी मैडम? हां आ रहा है, मतलब आता है, आता है। चल बाद में बात करते हैं। बिल्ले इतनी सारी चेन तो ऐसा नहीं करते ना, उधर पेड़ के पास जाओ, खुद को पेड़ के साथ चेन से बांध दो, ताला लगा के चाबी फेंक दो, तब लगेगा भालू बधा हुआ है। ये ताले मुंह पे भी लगते हैं। अच्छा मुंह पे भी लगते हैं। बिल्ले क्या है ये? माँ अंधेरी रातों में सुनसान राह पर जब एक शहंशाह निकलता है उसे लोग बिल्लू द स्पाई कहते हैं। माँ तुम्हें चेन और ताला चाहिए था ना, मेरे दोस्त की ताला और चैन की दुकान पूरी की पूरी उठा के लाया हूँ। माँ चुन लो, माँ चुन लो, काम सीधे सीधे नहीं करता ये इंसान। ये हाँ माँ, इस चैन को ताला नहीं है। तू क्यों इतनी सारी ताला चाबी लेकर घूम रहे हो तुम? माँ आपके लिए चैन ताला खास इधर रखा है, ये देखो। ये इतनी सी चेन मजबूत है माँ? चेक करो। मजबूत है। लेकिन किसके लिए चाहिए ये? अरे आजकल शहर में कितनी बाइक की चोरियां हो रही है, और हमारी चुड़ैल बहू दिन भर शूटिंग में व्यस्त रहती है और उनकी बाइक यहाँ पड़ी रहती है, तो सोच रहे हैं उनकी बाइक को सुरक्षित रखने के लिए ना ऐसे ताला चाबी से बांध कर रखे। अरे करिश्मा मैडम की बाइक चुराए किसमें हिम्मत है, चुराना तो दूर बैठ भी नहीं सकता। सही माँ, मैडम सर बोली है ना बाइक चोर को पकड़ेगी, मतलब पकड़ी। तो मिस्टर बाइकर नाम क्या है तुम्हारा? मैं निर्दोष हूँ। हर कोई पकड़े जाने के बाद खुद को निर्दोष ही बताता है। ना मेरा नाम ही निर्दोष है, निर्दोष कुमार। तो निर्दोष कुमार सच सच आप खुद बताएंगे या अपने तरीके से निकलवाएं? मैडम मैंने तो सिर्फ एक बाइक चुराई थी, वो भी आप तक पहुंचने के लिए, बाकी बाइक का मुझे ना पता है, वो चोरियां मैंने ना करी। एक्शन बोलो। एक्शन? निर्दोष नाम रखने से कोई निर्दोष नहीं होती क्रिमिनल। बताओ सारी बाइक्स किधर, वरना मैं एंग्री होता तो सीधा गार्ड के पास पहुंचता। माइंड इट, बोलो किधर बाइक्स। कट इट बोलो। कट इट। आप इधर आइए, आप देखिए
दूर खड़े रहकर सिर्फ ऑब्जर्व करना है आपको, ठीक है? और जितना हो सके चुप रहिए, जो करना था वैसे भी बहुत कुछ कर चुकी हैं, ठीक है? अब हम इंटरोगेट करते हैं। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? हमसे हम तक पहुँचने के लिए अपने बाइक चोरी की है। जी देखो मिस्टर निर्दोष, हमारे पेशेंस का इम्तिहान मत लो। हम अच्छे से जानते हैं कि तुम ही वो चोर हो जिसने पिछले एक हफ्ते में 4 बाइक्स चोरी किए, वो भी काले कपड़े पहनकर। इसलिए चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लो, वरना पुलिस के पास और भी तरीके हैं सच उगलवाने के। अरे मैडम, आपके कुछ करने से सच बदल थोड़ा जाएगा। और सच ये है कि जिस बाइक चोर की तलाश आप लोग कर रहे हैं वो बाइक चोर मैं ना हूँ। मैंने तो जे बाइक चुराई है, वो भी उसी स्टाइल में जैसे बाकी की बाइक चोरी हुई है ना, काले कपड़े हेलमेट पहन के, और फिर अपने आप को जानबूझ के गिरफ्तार कराया आपसे मिलने खातिर, ताकि आपके जरिए फिर उस बाइक चोर तक पहुंच सकूं। वो मैं उठा के तुमको ही देती। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, कहिए। क्या? ठीक है, थैंक यू। मैडम सर, क्या हुआ? 20 मिनट पहले बल्ली चौक से एक और बाइक चोरी हो गई है, सेम कंपनी। चोर यहाँ बैठा है तो फिर चोरी कौन कर रहा है? उसी ने जिसने बाकी बाइक चोरी करी है। मैंने कही थी ना, मैं वो ना हूं। क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, खोपड़ी के गुब्बारे उड़ा रहा है। ये टकली, इसका मतलब चोर को पकड़ने में अपना रॉन्ग नंबर लगता। नहीं, ये रॉन्ग नंबर ठीक है, लेकिन ये टकला क्या? नहीं मतलब, सिर्फ मैडम सर को मिलने के लिए बाइक चुराने की क्या जरूरत थी? ऐसे सीधे सीधे आते तो भी मिल सकते थे ना। हाँ ना, मिल तो सकता था, पर मेरा मकसद पूरा नहीं होता ना। कैसा मकसद? वही तो। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ना पहले चोर था, हाँ ऐसे बाइक चुराता था, काले कपड़े हेलमेट पहन के, फिर धर लिया गया, जेल गया, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, अकल ठिकाने आ गई, फिर बाहर आया ना, सब बदल गया, ये चोरी चकारी काम मैंने छोड़ दी। मैडम सर ये सही बोल रहे हैं। 2 साल पहले ये जेल में थे, ये बाइक चोरी की केस में अपनी सजा काट रहे थे जेल में, और इनका पूरा रिकॉर्ड भी है यहाँ पर। तो फिर अगर वो बाइक चोरी करने वाले आदमी तुम हो, तो फिर तुम्हारे पुराने तरीके से अब चोरी कौन कर रहा है? मेरा भाई। भाई? क्या तुम्हारा पूरा खानदान चोर है क्या? खानदान तो ना है, बस भाई, दुनिया में अकेला जही है जो ऐसी स्टाइल में बाइक चोरी कर सके। मैं बड़ी बात ना कर रहा हूँ, हम दोनों ना उस्ताद विश्वास के शागिर्द रहे हैं, और भाई सीखी हमने हाथों की सफाई, और हम लोग उनके बेस्ट स्टूडेंट थे। उस्ताद विश्वास चोरों के आदर्श गुरु है, महागुरु है विश्वास उस्ताद। मैं भी इनका चेला बनना चाहता था, लेकिन इनके एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया तो नहीं बन पाया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बस ना मिल गए, इनका पार पे चढ़ के नाच दोगे इनके। आप बताइए, पूरा मामला बताइए, आप कुछ बता रहे थे, कहिए। जेल गया, फिर सुबोध से मिल ना पाया, वो भी मुझे जेल में मिलने ना आया। नाराज था ना मैडम, उसके लगे था कि मैं उसकी मदद ना कर पाया जब उसको मेरी जरूरत थी। मैं उसे ढूंढूंगा मैडम, उसे समझाना चाहूंगा कि चोरी चकारी के काम में कुछ ना रखा। मैडम जी, आप तो उसको ढूंढ रही है ना, मैं उसको ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ, उसको पकड़ने में आपकी मदद कर सकता हूँ, बस अपनी टीम में मुझे शामिल कर लीजिए इस केस के लिए। नहीं मैडम सर, एक तो ये खुद चोर रहे हैं, ऊपर से इनके भाई भी जो है वो भी चोर है। आई डोंट थिंक सो कि हमें इन पे ट्रस्ट करना चाहिए। नहीं मैडम सर, हमें लगता है इसे एक मौका मिलना चाहिए। हम बिल्लू पर भी तो भरोसा करते हैं ना, वो भी तो सुधर गया है ना अब। मैंने तो सुनी थी आपकी जिंदगी का फलसफा जज्बातों पे चले है मैडम, अब तो देखना है कि आपके जज्बात मुझ पे भरोसा करते हैं या आपकी वर्दी मौका देने से इनकार करती है। ठीक है, इस केस को सॉल्व करने में तुम हमारी मदद कर सकते हो, हमें भरोसा है तुम पे। मैडम सर, मैडम सर, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं पूरे अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ये भरोसा करने लायक नहीं है। इंसान बदल सकता है लेकिन उसकी फितरत नहीं। तजुर्बा कहता है हमारा, इंसानियत के तराजू में भरोसे का पलड़ा हमेशा भारी होता है। फितरत चाहे बदले ना बदले, इंसान बदल सकते हैं। और तुम भी तो एक चोर हो, तुम पर भी भरोसा करके तुम्हें एक मौका दिया ना हमने, तो फिर इसे क्यों नहीं? भरोसा किया तुम पर, असली मुजरिम तक अब तुम हमें पहुंचाओगे। नहीं मैडम सर, ये भी पूरा तरीका से कहां बदला है, आजकल शाम में घूमते समय किसी ना किसी का पॉकेट मार ही लेता ही।
अपने थाने के लिए करता हूँ, केस के लिए करता हूँ, अपने खुद के लिए नहीं, समझे? मैडम सर, एक बार फिर से आप प्लीज सोच लीजिए, क्योंकि मेरा भी मन नहीं मान रहा है। हाँ मैडम सर। रिलैक्स संतोष शर्मा, हम अच्छे से जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वापस यहीं मिलते हैं, आप हमारे साथ केबिन में आइए। एक्शन बोलो। हम्म? इलावा बॉय, एक्शन बोलो। का है? अभी सीने सुंदरी जो डायलॉग मार के गया ना, मेरे को मारने का मन करता करिश्मा सिंह का स्टाइल में। बोलो। मेरे को छोड़ के सब जाता। बैठ जाइए सब लोग। मूवी टाइम। कौन सा पिक्चर दिखा था? तो इस केस को अगर ठीक तरीके से डिस्क्राइब किया जाए तो मामला कुछ इस तरीके से। हजरतगंज में छोटे मोटे मिलाकर टोटल 7 मॉल्स हैं। पुष्पा जी? जी। ओके। पिछले 6 दिनों में इन 6 मॉल्स में से 6 बाइक्स की चोरी हुई है। चोरी करने का पैटर्न सिमिलर है, काले कपड़े और ब्लैक हेलमेट पहनकर चोरी होती है और चोरी होने वाली कंपनी सेम है। मतलब 7 भी चोरी 7वें मॉल में होगी, और वो भी कल। अब मेरे पास एक सुपर रॉकेट आइडिया होता। क्यों ना जितना भी बाइक मॉल में आता उसकी बैक सीट पे हम ब्लैक पेंट मारता। जब चोर बाइक को लेके जाता तो उसकी बैक सीट पे ब्लैक पेंट होता, इससे हमको चोर को पकड़ने में आसानी होता ना। हाँ? ये चोर को पकड़ने का ही आइडिया था ना? पता नहीं क्या बोला इन्होंने, कुछ समझ में नहीं। नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता। बैठ जाओ। वो चोर बहुत शातिर है, बहुत समझदार है। वो अब तक बहुत आसानी से समझ चुका होगा कि पुलिस ने उसके पैटर्न को समझ लिया है और उस 7वें मॉल में उसका इंतजार कर रही होगी। वो कोई गलती कोई कोताही नहीं करेगा जिससे हम उस तक पहुंच पाए। तो मैडम सर, अब प्लान क्या है? वही जो घर में घुसे हुए चूहे को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीज? वेरी गुड। जी हाँ, चीज का लालच दिखाकर चूहे का इंतजार किया जाता है। कल मॉल खुल जाएगा ठीक 11 बजे, हम सब सही समय पर वहां पहुंच जाएंगे। हाँ, बस इस प्लान को पूरा करने के लिए हमें जरूरत होगी सेम कंपनी के एक बाइक की। समझ गए सब? यस मैडम सर। सब तैयार हैं? यस मैडम सर। क्या आपके पास ओनी बाइक्स की कोई भी बाइक नहीं है? होती तब भी नहीं देते? देखिए, हम समझते हैं अच्छे से कि शहर से फिलहाल सिर्फ ओनी कंपनी की बाइक्स चोरी हो रही हैं, लेकिन आप पुलिस से बात। अरे, काट दिया फोन। हाँ करिश्मा सिंह, कहिए। जयन मैडम सर। जयन, वो बाइक चोर के बारे में कुछ पता चला क्या? हमको इतना हैरानी हो रहा है कि बाइक चोरी को लेकर इतना हल्ला मचा हुआ है बाहर। हमारे थाना पर सवाल उठ रहे हैं मैडम सर, और हम ये यहाँ नौटंकी कर रहे हैं। आप हमको बोले हम सारे गुंडे मवालियों का डंडा परेड करेंगे और सारा सच उनके मुंह से उगलवा देंगे। कोई ना कोई हमें चोर तक पहुंचा देगा। मैडम सर, आप समझिए हमारी बात को। करिश्मा सिंह रिलैक्स, बाइक चोर जो है एक्सपोज हो चुका है। हाँ, उसका नाम है सुबोध कुमार और हमने उसका पैटर्न समझ लिया है। देखिए, वो दरअसल मॉल्स में से बाइक चोरी करता है, वो भी हजरतगंज के मॉल में से। हजरतगंज में कुल मिलाकर 7 मॉल है, जिसमें से 6 मॉल में से वो 6 बाइक्स ऑलरेडी चोरी कर चुका है। एक बचा डोडो मॉल, जिसमें से वो 7वीं बाइक चोरी करने वाला है। अब हमारे लिए उसे पकड़ना बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि उसका सगा भाई खुद हमारा साथ दे रहा है। क्या? देखिए, हम आपको पूरी बात बताते हैं। एक मिनट मैडम सर, आप किसी चोर पे भरोसा कर रही हैं? वो भी उस पे जो चोर का ही सगा भाई है। करिश्मा सिंह, देखिए, अब आप प्लीज आप शुरू मत हो जाइए, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आप कहीं से भी एक ओनी कंपनी की बाइक अरेंज कर सकती हैं? हमें कहीं नहीं मिल रही है। मैडम सर, बिजली का वाहन लाओ। मैडम सर, 10 मिनट में लेकर आते हैं। जय हिंद। जय हिंद।
रोलिंग एंड एक्शन। फैंटास्टिक शॉट, सुपर कैरी, माइंड ब्लोइंग। कट, कैरी कट, कैरी कट। बैकअप। ओके, ठीक है। सो तो प्लान के हिसाब से चूहे को बिल से बाहर निकालने के लिए हमने जो जाल बिछाया है वो जाल होगा उन्हीं कंपनी की एक बाइक जिसे हम पार्किंग में खड़ा करेंगे। जब सुबोध यहाँ आएगा बाइक को चुराने के लिए हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। ये है प्लान, समझ में आ गया? मैडम सर, लेकिन इस मॉल के पार्किंग लॉट में दो एग्जिट है, एक ये और एक पीछे। हाँ हाँ, हम जानते हैं, इसलिए हमने पीछे वाले एग्जिट पर करिश्मा सिंह, संतोष शर्मा और चीता चतुर्वेदी को रखा है कि अगर चोर वहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो वो लोग पकड़ लेंगे, और आगे तो हम चारों हैं। Okay. जी मैडम सर। मैडम मैं क्या कह रही हूँ, उसको पकड़ने मैं जाऊँ तो सही होगा? हैं? भाई है ना, सकना करेगा मुझ पे, पुलिस को देखेगा बाइक छोड़ भाग लेगा वो। अरे ऐसे कैसे पहचानेगा? इनको तो वर्दी में भी कोई नहीं पहचानता। मजाक करना भाई, मजाक का समय है ये, हैं? चुप कर। अरे हम कह रहे हैं ऐसे कैसे पहचानेगा हमें, हमने वर्दी थोड़ी ना पहने, उसको कैसे पता चलेगा कि हम पुलिस है? अरे हम उस्ताद उस्ताद के चेले हैं ना, ये भाभी वर्दी सुनना तो सबसे पहले सिखावे वहाँ पे। वर्दी पहरी हो ना पहरी हो, पुलिस को पहचान ले मिनट से पहले, और उसकी नाक तो वैसे ही ज्यादा तेज है। फिर अच्छा ठीक है, तुम जाओ उसे पकड़ने, लेकिन बात ध्यान से सुनो, तुम पर भरोसा कर रहे हैं, भरोसा तोड़ना मत। हमें सब कुछ मंजूर है लेकिन भरोसा तोड़ने वाला आदमी बिल्कुल मंजूर नहीं है। ना ना मैडम, बिल्कुल भरोसा कर सके आप हम पे, भरोसा क्यों तोड़ेंगे आपका। लेकिन मैडम आप जरा प्लान की बात कर ले, आपने कही थी मॉल में उन्हीं कंपनी की बाइक खड़ी करेंगे ना, बाइक तो ना दिख रही। देखो बाइक आ रही है, बाइक की आवाज आ रही है, और देखो बाइक आ गई। ओ विद भोकाल, आपने कही थी करिश्मा मैडम पीछे वाले गेट पे खड़ी होंगी ताकि सुबोध भागने की कोशिश करे तो धर लिया जावे। वो पिछले गेट पे संतोष और चीता है ना, वो देख लेंगे, पर बाइक भी चाहिए ना चुराने के लिए, बाइक नहीं रहेगी तो चुराएगा क्या? लेकिन ये अरे चलो 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 चलो, अरे सुबोध आ जाएगा तो पहचान लेगा, चलो चलो चलो, चलिए 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 चलिए, जल्दी 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 जल्दी। अरे बिल्ले उधर कहाँ चली गई? मेरी टीम इधर, मैं उधर कैसे रही? करिश्मा सिंह, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सही टाइम पर बाइक लेकर आ गई, वरना मैं इस चोर को कभी पकड़ ही नहीं पाते। मैडम सर, ड्यूटी के लिए कुछ भी, हम शूटिंग से बाइक ले आए, जब ये टंटा खत्म हो जाएगा तो बाइक वापस दे आएंगे। लेकिन आप हमें एक बात बताइए, चोर पक्का यहाँ चोरी करने आएगा? हाँ हाँ, उसके पैटर्न के हिसाब से यही वो जगह है जहाँ वो अगली चोरी करने वाला है, वो जरूर आएगा। धोखा तो नहीं देखना, तो ना यही एग्जिट गेट है, यहाँ पर मैडम सर बोली हम लोग यहाँ पर खड़ा रहना और निगरानी करना कि गलती से भी अगर वहां से छूट गया ना तो हम लोग यहाँ पर उसको धर दबोचेंगे। भाई बहुत गर्म गर्म, अरे करीना जी गर्मी लग रहा है तो गर्मी लगता है तो ऐसे नहीं बोलते ना, बोलते हैं वेरी हॉट। चीते क्या सिखा रहा है, गर्मी लगती है तब ऐसे कहते हैं कि इट्स सो हॉट। मतलब तुम दोनों को समझ में आता ना कि मेरे को हॉट लगता, हाँ तो मेरा इंग्लिश क्यों सुधारता? अब ठीक है, मेरे को डिजी लगता, चक्कर आता, आई आम हमारा इधर इधर इधर। अब चीते ठंडा नींबू पानी कुछ ले आना। हाँ लेकर आ गया, आप ध्यान रखिएगा संजू जी। लिसन, हाँ नो शुगर। अच्छा ठीक है, नो शुगर। लिसन, नो एक्स्ट्रा मसाला। हाँ ठीक है। लिसन लिसन, नो आइस,
हाँ ठीक है वन मिनट लीफ ऊपर तो मजा आता नींबू पानी में नींबू डलवाए ऐसा तुम्हारा लवर बॉय नींबू के बिना नींबू पानी कैसे होता नींबू के साथ ला रे हाँ क्या लगता है बिल्ले तुमको वो क्या कह रहा होगा दीवार में बच्चन साहब और शशि कपूर जैसे बातें कर रहे हैं वैसे बातें कर रहे हैं मेरे पास गाड़ी है बंगला है पैसा है बैंक बैलेंस है तुम्हारे पास क्या है भाई मेरे पास चोरी की हुई छह बाइक है भाग उसे पाप का रास्ता छोड़ने के लिए कह रहा होगा समझा रहा होगा उसे कि कैसे वो ये अपराध का रास्ता छोड़ दे और शराफत की बाइक पे उसके पीछे बैठ जाए ताकि दोनों ईमानदारी के रास्ते पर निकल जाए ऐसे फोन लगाइए जल्दी उठिए करीना जी उठिए उठने की कोशिश कीजिए उठिए आइए अम्मा ये तो फिर बेहोश हो गई हाँ पुष्पा जी करिश्मा मैडम शूटिंग से बाइक ले आई अरे वो बाइक लेकर आ गई और वो दोनों भाई चोर अपनी बाइक लेकर भाग भी गए क्या बाइक चोरी हो गई प्रोडक्शन का बाइक चोरी हो गया अयो मां मैं फिर से बेहोश हो गया एग्जिट की तरफ आ रहे हैं पकड़ो वो दोनों एग्जिट गेट की तरफ आ रहे हैं उन दोनों को भागने मत देना पकड़ो उनको एग्जिट गेट की तरफ ही आ रही है ठीक है समझ गए हम पकड़ लेंगे मैं भी करीना जी आप ऐसे कैसे करती हैं अभी तुम यहां से बाहर आ रही हो क्या मेरे को भाई अरे भाग गया ए यार अरे करीना बाइक निकल गई भाग गई करीना जी की वजह से इनको धूप में चक्कर आ रहे हैं इनको संभालने के चक्कर में बाइक निकल गई हाँ ठीक है छोड़ो उसको बाइक गया मेरा करियर सब फिनिश होता गया प्रोडक्शन में पता चलता कि बाइक वापस नहीं आता तो मेरा लहू ले लेता अयो मां फिर से बेहोश हो गई यार देख लिया विश्वास करके आपने नहीं हर किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता मैडम सर इसलिए हमें आपके जज्बाती चोचलों से नफरत है हर कोई आपके जज्बात के लायक नहीं है मैडम सर नियत नाम का भी चीज होता है हर किसी का नियत बराबर नहीं होता आपको पहले देखना पड़ेगा परखना पड़ेगा भाग गए ना विश्वास करके गलती कर दिया उनपे निर्दोष को फोन लगाते हैं बेल बजाइए फोन हेलो फीमेल है माँ बिल्लू मैडम सर माँ बाप ने सिखाया ना फोन आया तो उठा नहीं पूरा प्लान चौपट हो गया आप बिल्कुल सही कह रही है करिश्मा सिंह हमारी ही गलती है हमें उस आदमी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था जज्बात के चक्कर में इस बार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई करिश्मा सिंह पर पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि ये पूरी कहानी नहीं है ये पूरी सच्चाई नहीं है कोई एक पहलू है कोई एक टुकड़ा है इस पूरी कहानी का जो मिसिंग है हम समझ नहीं पा रहे लेकिन कैसे पता लगाए अब तो वो दोनों भाग गए नहीं मैडम सर निकले नहीं है अभी भी धर सकते हैं उन्हें क्या जी शुक्र मनाइए हमारे अड़ियल रवैये का जो आज भी आपके जज्बाती चोचलों के विरुद्ध हमने उनके बाइक पे ट्रैकर लगा दिया था जो हमारे फोन से जुड़ा है ये देखिए ये देख रहे हैं आप ये चोर और उसका विश्वासघाती भाई आपका विश्वास और कानून तोड़ने का हिसाब लेते हैं अब इनसे जाके चलिए चलिए शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते वर कन्या आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए और फिर शुरू कीजिए पंडित जी रुकिए बेटा सुबोध जाओ जी बाबा अरे ये क्या कर रहे हो ऐसे फेरे थोड़ी होते हैं ये तो शास्त्र विरुद्ध है पंडित जी उस्ताद विश्वास की बेटी की शादी है मोटरसाइकिल पे फेरे हो गए मोटरसाइकिल पे बढ़िया मंत्र ओ पंडित चुपचाप से शादी करा दे नहीं अपने बच्चों की शादी कराने लग ना रहेगा तू जी फेरे शुरू कीजिए ओम तदेव लग्नम शुदिनाम तदेव
से हिला तो भून के रख देंगे। पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, ये शादी नहीं हो सकती। पुलिस फोर्स जब से ज्वाइन किया है एक बार ये डायलॉग बोलने की बहुत इच्छा थी, इसलिए निर्दोष भरोसे की धतिया उड़ा दी इसने। तो सब तुम्हारे बारे में सही कह रहे थे, हमें तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। पर पता है दुख हमें इस बात का नहीं है कि तुमने हमें धोखा दिया, दुख हमें इस बात का है कि तुम जैसे लोगों की वजह से वो लोग सही साबित हो जाते हैं जो इंसानियत और जज्बातों में भरोसा ही नहीं रखते, क्योंकि तुम उन्हें सच साबित कर देते हो और हम जैसे लोग फिर जज्बाती इमोशनल बेवकूफ लगने लगते हैं जो तुम जैसे झूठे लोगों की बातों में आकर तुम्हारी असली मक्कारी का शिकार हो जाते हैं। इस बात का हमें ज्यादा गुस्सा है। ना ना मैडम, ऐसी बात ना है। वैसे आपका नजरिया भी सही है, गलत ना है। मैंने आपके साथ धोखेबाजी की, लेकिन एक बार आप उसकी वजह जान लेंगी ना तो आप समझ जाएंगी कि वो मेरी मजबूरी थी, मर्जी ना थी। धोखा देने के लिए कोई भी वजह मायने नहीं रखती। बिल्कुल ठीक कही मैडम, पर मजबूरी के झूठ का वजन तो कम हो सके ना। और एक बार आप वजह जान लेंगी ना तो मेरा धोखा इतना बड़ा गुनाह ना लगेगा आपको जितना इस वक्त लग रहा। अच्छा, मतलब एक और कहानी, एक और प्रपंच, एक और झूठ। हाँ, क्या वजह है बताओ। मैडम सर क्या आप भी फिर से? एक मिनट, हम बात कर रहे हैं ना, वजह बताओ। मैं बताता हूँ, ये रिमझिम है। मैं और रिमझिम आपस में बहुत प्यार करते, और ये मेरे गुरु विश्वास जी की बेटी है। क्या? इन्होंने मेरे सामने शर्त रखी थी, अगर मैं इस शहर से 7 दिनों में 7 एक ही कंपनी की बाइक चुरा लूंगा तो ये अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। मुझसे गलती हुई मैं मानता हूँ, पर सब फसाद की जड़ यही है। इन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, वरना ये मैं सब बाइक नहीं चुरा था। मतलब तुम ये चोरियां जबरदस्ती कर रहे थे? जी गुरुजी। अरे भाई को प्यार दिलाने खातिर मैंने मजबूर होकर इसका साथ दे दिया मैडम, पर कसम खा रहा हूँ मैडम, शादी होने बाद ना मैं खुद को सिलेंडर करने आने वाला था। मैडम जहाँ बजाय लालच ना है प्यार है, अब फैसला मैडम आपका है। आप इस अपराध को कानून की नजर से देखे हो कि जज्बात की नजर से? लीटर नींबू पानी पीने के बाद भी इनका यही हाल है, बेहोश हुई पड़ी है। करीना जी उठिए ना। हाँ पुष्पा जी, क्या बाइक मिल गई? मिल गया? क्या बाइक मिल गया? अयो अम्मा, अब मैं थोड़ा रिलैक्स बेहोश होता। चिंता कोई बात नहीं संतु जी, इस बार खुशी के मारे बेहोश हुई है। हमने पहले भी कहा है, मंचा चाहे जो भी हो, कानून की नजर में जो गलत है वो गलत है। हाँ हम ये बात जरूर मानते हैं कि तुम दोनों बालिक हो, एक दूसरे से शादी कर सकते हो और कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन तुमने 6 बाइक्स चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया है और तुमने इस गुनाह में इसका साथ दिया है, इसलिए कानून की नजर में तुम दोनों मुजरिम हो। हमारा काम है तुम्हें अरेस्ट करके तुम पर केस फाइल करना, बाकी आगे ऑनरेबल कोर्ट जो सही समझे। बिल्कुल सही फैसले है मैडम आपने, मुझे इस पाप की सजा मिलनी चाहिए ताकि मेरी आने वाली जिंदगी बोझ के साथ ना रहे कि मैंने इतने सारे पाप किए, और जेल से निकलने के बाद मैं अपने भाई निर्दोष की तरह एक निर्दोष जिंदगी जी सकूं और एक इज्जत के साथ आने वाला समय व्यतीत कर सकूं। मेरे पापा ने जो ये शर्त रखी वो बिल्कुल गलत थी मैडम सर, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था ऐसी वाहियात शर्त रखने के लिए। मैडम सर मैं भी उतनी ही गुनहगार हूँ, मुझे भी उतनी सजा मिलनी चाहिए, और पापा आप यही सुखी जीवन के लिए कामना की थी आपने मेरे लिए, आज आपकी जिद की वजह से आपका दामाद जेल जा रहा है। अब बोली कहां जाऊं मैं, हर बाप अपनी बेटी को शादी के बाद ससुराल भेजता है, लेकिन आप तो मुझे जेल भेज रहे हैं, क्योंकि मैं भी तो ऐसी गुनाह के भागीदार हूं ना। चलिए जा बेटा, तू कैसे जाएगी? हाँ गुनहगार तो मैं हूं, आज से ये चोरी सिखाने का कोच बंद बेटा। हाँ और मैं भी अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूं, बंद कर दीजिए मैडम मुझे,
एक ऐसा इंसान जो अपनी बेटी के लिए अच्छा नहीं सोच सकता, उसे तुम जेल में होना चाहिए। मैडम माफ करना बेटा, माफ करना मेरे बच्चे। बहुत सुनी थी आपके थाने के जज्बातों की जादू की छड़ी के बारे में मैडम, आज देख भी ली आपने, हमारे पूरे परिवार को सही रास्ता दिखा दिया। आपके लिए मैडम जे तो बने हैं। खैरू तुमको एप्पल खाना? नो, हीट में कुछ नहीं खाना। हाँ गर्मी लगता। एक मिनट। वाओ बिल्लू बस, तुम मेरा ऐसे ही ख्याल रखते रहो, मैं तुम्हारा लाइफ बनाता। वाइफ बन जाओ, लाइफ बन जाएगी। कुछ बोला नहीं, वो दिल की अरमान आवाज के जरिए बाहर निकलते रहते। पर तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना, मुझे चेन्नई लेके जाना और वहाँ का सुपर स्टार बनाना। ओ यस यस, पक्का बनाना। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। ओह माय गॉड। सॉरी सॉरी। Oh, what? My lychee juice. Lychee juice? मैं भूल गया। लेके आता लेकिन मैं पहले चेन्नई जाता। रजनी सर, कमल सर, प्रभु देवा। चेन्नई में धक्का मारता। ये तो लखनऊ है। मैं लीची जूस लेके चल निकल। लीची जूस। लगता है इसको भी गलत फहमी हुआ। क्या हुआ? एक क्या सोच रही हो? पहचानी नहीं का? अरे हमें हम वो क्या कहते हैं, वो बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारी। लखनऊ में साथ थे ट्रेनिंग में, एक ही क्वार्टर में रहते थे। रमा करू जिगरी है भाई तुम्हारे। इसको देख रही हो? आई हमारा बहुआ। ये करी अम्मा का कोई पुराना फ्रेंड। हाँ किया तो और चिपकेगा और सवाल करेगा। मैं ज्यादा बोला तो उसको पता चल जाएगा कि ये जो मेरे को समझ रही है मैं वो नहीं, मैं तो डुप्लीकेट। निकल इधर से, कह रही रन रन रन। क्या हुआ? वो मैं पुलिस ऑफिसर ना, मैं ड्यूटी पर होता। बहुत काम, बहुत वर्क ओवरलोड। आज तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और तुम्हारा बेबी सो क्यूट, बहुत बिजी होता तुम मैं बाद में मिलता। बाय। रुके, ये इसका परिचय तो होने दीजिए। हमारा बउआ है, हम ट्यूशन छोड़ने जाते हैं रोज यहाँ पे सदर बाजार में। 5 बजे जाते हैं रोज। थोड़ा रुक जाओ ना, बात करेंगे। ये पकड़ बेटा। अरे मैं बोला ना मैं बिजी होता, मैं यहाँ बैठ के ये स्टुपिडिटी नहीं कर सकता। अब मैं ड्यूटी पर, अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ गॉसिप करूं कि वहाँ जाके क्रिमिनल को पकड़ूं? सोचो, थिंक। ओके बाय, बाद में मिलता। सुनो करू, तुम किधर? मैं पार्लर जाके आया। लड़की मेरे को चिपकता। लड़की चिपकता? इरिटेट करता। है? बार बार फ्रेंड बोल के मेरा ब्लड पीता। तुम्हारे ब्लड पीता? हाँ, मेरे सलोन का अपॉइंटमेंट। तो मेरा जूस लाया? हाँ लाया ना, जूस लाया। मैं ऑक्सीजन के बिना रह सकता। हाँ। पर अपना सलोन और अपना जूस के बिना नहीं रह सकता। मैं भी ऑक्सीजन बिना रह सकता। चलो चलो आगे, चलो चलो तैयार हो जाओ। तो सीन कुछ ऐसा है कि हीरो को कुछ गुंडे पकड़े हुए हैं और फिर एक गुंडा हीरो के ऊपर गोली चलाता है। गोली चलाएगा, हम जाके बचाएंगे और हम घायल होता है ना? नहीं मैडम, गोली आप पकड़ लेती हैं। एक मिनट, नहीं मतलब क्या गोली पकड़ लेती है मतलब? अरे आप गोली हवा में पकड़ लेती हैं। एक मिनट, पिस्टल से निकली हुई गोली हम हवा में हाथ से पकड़ लेते हैं? नहीं मतलब गोली है कि फिर मच्छर है? ओ कम ऑन कैरी, बिजली रानी के लिए तो मच्छर ही है। हाँ ऑफ कोर्स, बिजली रानी तो कुछ भी कर सकती है। ट्रस्ट मी, बिजली रानी जब गोली पकड़ेगी ना, कितना कन्विंसिंग सीन लगेगा स्क्रीन पे। विजुअल इफेक्ट्स भी है, सब हो जाएगा। चलो टेक करते। नहीं सर, मतलब गोली। मैडम मैं हूँ ना द ग्रेट डायरेक्टर यश कपूर। आधी इंडस्ट्री को मैंने स्टार बनाया है।
भरोसा रखिए। चलिए टेक करते हैं, तो फिर आपकी एंट्री वहां से होगी, ठीक है? चलो टेक करते हैं, रेडी? चलो चलो, एनर्जी एनर्जी, टेक करते हैं। पोजीशन, कैमरा, एन एक्शन। अरे फर्स्ट एड, फर्स्ट एड। एक मिनट, नहीं नहीं, हवा में चला ना, तो हवा पकड़ के किसको लगता है, एक्टिंग करना था ना। अरे यार, अरे बेबी समझ नहीं रही हो, चिल्लाना नहीं है। का? बिजली रानी को दर्द नहीं हो सकता, क्योंकि बिजली रानी के लिए तो ये गोलियां गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन, यू नो? हाँ, गुलाब जामुन। हाँ, ये गोली तो विलन के लिए है, तुम्हें गोली को पकड़ना है और विलन की तरफ घुमा करके वापस मारना है, फिर गोली लगेगी इसको और फिर गोली विलन को सीना चीरते हुए निकल जाएगी और विलन डेड। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गोली है वो, गोली होता वो, गोली पकड़ के घुमा के विलन पे मारता और विलन मर जाता, हमको कुछ, हम ये नहीं हो सकता है हमसे। मतलब गोली जब लगता है तो टुकड़ा टुकड़ा होता है हाथ का, कभी खाया गोली हमने? हमें हमें हमसे नहीं हो सकता ये बकवास, हम नहीं कर सकते ये। कपूर, यू डिसाइड फर्स्ट कि करना है शूटिंग या नहीं करना है, ओके? मेरे पास फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, मैं रूम में जा रहा हूँ। ये क्या है बेबी, जब स्क्रिप्ट सुनाया था तो तुमने कहा था माइंड ब्लोइंग, और अब कह रही हो कि ये नहीं होगा बकवास। देखो, मैं ये कहना नहीं चाहता, बट तुम्हारा डे बाय डे ये क्रिएटिव इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है। यार मैं डायरेक्टर हूं, हमको हमारा काम करने दो। कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया है, करना पड़ेगा, वरना तुमको इस फिल्म से निकाल करके किसी दूसरी हीरोइन का ऑप्शन देखना पड़ेगा। 10 मिनट देता हूं, सोच लो फिर बताना, फिर टेक करते हैं। चलो प्यारी करूं, बहुत सारे प्यारे पल साथ बिताए हैं पुलिस ट्रेनिंग में, तुम वो सारे पल भूल सकती हो पर हम नहीं, क्योंकि हम तो हमेशा तुमको अपनी सगी बहन से ज़्यादा समझे रहे। पर आज जिस तरह का रूखा अजनबियों वाला बर्ताव तुमने हमारे साथ मार्केट में किया, अच्छा नहीं लगा हमको। समझते हैं बड़ी पुलिस अधिकारी हो गई हो, व्यस्त हो, अब कहाँ समय होगा तुम्हारे पास हम जैसे पुराने भूले बिसरे दोस्तों के लिए। ये हमारा आखिरी मैसेज है, ऑल दी वेरी बेस्ट, खुश रहो, खूब खूब तरक्की करो, हमेशा तुम्हारा भला चाहने वाली तुम्हारी दोस्त रमा। कहीं ये करीना से तो नहीं मिली? ये करीना से मिली होगी और उसको लग रहा होगा कि हम हैं, पर करीना ने ऐसा क्या कर दिया जो रमा इतना इतना नाराज हो गई है हमसे? हेलो हेलो, हम करू बोल रहे हैं। करू, कैसी हो तुम? अच्छा, हम कैसे हैं? सूझ गया तुमको पूछना हम कैसे हैं? क्या कह रही थी बाजार में, हम तुम्हारे गले पड़े जा रहे हैं? नहीं नहीं सुनो, मतलब हमें ही पड़ी है, हम ही मरे जा रहे हैं ये पूछने के लिए कि तुम कैसी हो। तुम्हें कुछ नहीं पड़ी है ना कि हम कैसे हैं? अरे भैया, अब कहाँ पूछने वाली हो, पुलिस वाली हो गई हो। S.I. करिश्मा सिंह, लखनऊ का भोकाल, वाह, अब कहाँ पुराने दोस्त तुम्हें याद आएंगे, रखते हैं। रमा रमा रमा, सुन सुन, फोन मत करना, फोन। हमने तुम्हें इसीलिए ही फोन किया है ये बताने के लिए कि तुम जिससे मिली थी वो हम नहीं थे, हमारी जुड़वा बहन थी। जुड़वा बहन? हाँ, वो जो बचपन में थी वो? हाँ, जिसके बारे में हमने तुम्हें बताया था ना कि हमारी जुड़वा बहन है, वही थी, वही तुमसे मिली होगी, हम नहीं थे। अगली हम होती तो तुम्हें गले से नहीं लगा लेते। कितना टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, तुम कितना याद आती हो, जान हो गए तुम हमारी, समझी? कहाँ हो तुम अभी, हम आ सकते हैं कि तुम्हारे पास? रमा, ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है भाई, जल्दी करो। वो हम जरा बिजी हैं, हम थोड़ी देर में बात करते हैं। सुनो, तुम बहुत नाराज लग रही हो, हमें तुम्हें आके मनाना है, गले से लगाना है, बताओ हम कहाँ मिलने आ सकते हैं तुमसे? हम कह रहे हैं ना, हम बिजी हैं, बैठते हैं बाद में। हम नाश्ता करते हैं। एक मिनट, ये तो बताइए आप किससे बतिया रही थी? अरे बबुआ, ये बिल कब भरोगे तुम बिजली का? अरे अम्मा, भर देंगे, घबराइए मत।
शर्मा, तुमने बताया नहीं किससे बतिया रही थी तुम? हैं? फोन पे बतिया रही थी? हाँ। किससे बतिया रही थी, कहाँ बतिया रही थी? नहीं नहीं, वो क्या है ना, हमारी सहेली का फोन था, वो जो लखनऊ में रहती थी ना, अब हम यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, तो बस हमारी तबीयत पानी पूछ रही थी। तबीयत या पानी? तबीयत सासू जी। तो पानी पूछ लेती? सासू जी पानी का कैसे पूछेंगी फोन पर? पूछना चाहिए ना, बारिश इतनी हो रही है, किसी के घर में पानी घुसा है कि नहीं? सुनिए ना, हमारी सहेली बहुत दूर से आई है, हमसे मिलना चाहती है, आप अगर हमें परमिशन देंगे ना, तो हम बस जल्दी जाएंगे और मिल के आ जाएंगे। अम्मा बताओ बताओ बताओ। बताते बताते बताते। अरे तुम जल्दी से नाश्ता लगाओ, ऑफिस के लिए निकलना है। अच्छा, वो आपने कहा ना बताते हैं। अरे अम्मा बोली ना पगली, बताते हैं बताते हैं, ऑफिस के लिए देर हो रहा है, जल्दी से नाश्ता लगाओ ना। चल 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 चल। बहुत नाराज है रामा, और ये सब उस मेले की झांकी की वजह से, उस हीरोइन की वजह से हुआ ये सब। छोड़ेंगे नहीं आज हम उसको, आज हम करेंगे उसका पैकअप। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? अयो अम्मा, पुलिस पुलिस पुलिस, बचाओ मेरे को बचाओ, वो हथियार लेके मेरे को मारने आया। क्या? एक मिनट, आप एड्रेस बताइए अपना। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, हम 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ। चीते, चीते। का हो गया संधू जी? गाड़ी निकाल फटाफट, इमरजेंसी। अरे का हुआ बताइए, मैं रास्ते में बताती हूँ। का हुआ संधू जी बताइए? अब हमें फोन क्यों कर रही हैं? मैडम साहब थाने में ही, मैं तो भूल गई, इमरजेंसी है, जल्दी चलिए जल्दी चलिए। आप हमें ये बताइए की इमरजेंसी क्या? आप जाइए, आप दोनों बाहर जाइए। मैडम सर, एक लड़की का कॉल आया, उसकी जान खतरे में है। हाँ? क्या? उसने खुद को कमरे में बंद करके रखा है, लेकिन वो कातिल हथियार लेके उसे मारने की कोशिश कर रहा है, हमें जाके उसकी जान बचानी होगी। कौन है, नाम क्या है, उसको पता क्या है? नाम हाँ? नहीं पता, लेकिन पता है। क्या? एड्रेस है 4/5/1 मंगल मार्ग, मालवीय नगर। 4/5/1 मंगल मार्ग, 4/5/1। अरे ये तो हमारे घर का पता है। क्या? हाँ, मालवीय नगर। फिर तो करीना ने फोन किया है। जल्दीबाजी में आपके समझ में नहीं आया ना? उफ, ये मासूमियत, मासूमियत के रोल मॉडल नहीं है, कोई और है। वो हड़बड़ाहट में उसके एक्शन के बारे में पता नहीं चला, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं संतोष, होता है, चलिए चलिए। सॉरी सॉरी मैडम, आई आई आई। उफ, पता नहीं कौन से जन्म का बैर निकाल रही है करिश्मा जी उससे। अरे भाई हाँ, हो गई ना गलती, उसकी सजा पूरी जिंदगी भर देगी क्या उससे? पता नहीं अब ये कौन सा नया झमेला खड़ा हो गया है घर में। हमें ना करीना के लिए डर लग रहा है, कहीं करिश्मा जी उसे पीट पिटाना दे। अरे नहीं पुष्पा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। करिश्मा सिंह सिर्फ दिखाती हैं कि वो बाहर से बहुत कड़क है, बहुत सख्त है, लेकिन आप भी जानती हैं कि वो अंदर से कितनी नर्म और जज्बाती हैं। वो मानेंगी नहीं इस बात को, लेकिन करीना की सबसे ज्यादा फिक्र अगर किसी को है तो वो करिश्मा सिंह है। और वैसे भी दो बहनों का मामला है ना, निपटा लेंगे आपस में, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? ठीक है, आई इतना स्ट्रेस दे दिया। मैया के सासू मैया, हाँ बचो, कितना बचोगी तुम? तुम्हारा मार मार के आज मुनी सुझा देंगे ना हम, तो हमारा नाम करिश्मा सिंह नहीं, समझी तुम? आज निकालते तुम्हारा सारा हीरोइन गिरी तुम्हारी तो। तुम्हारी तो बहुत बढ़िया, चलाओ तुम चक्कू चलाओ, तुमको ना ऊपर पहुंचाएंगे हम और सेल्फ डिफेंस का केस बनाएंगे, समझे तुम? चलाओ चलाओ, तुम चाकू से तेज नहीं हो सकता। मैं चाकू चलाएगा, मैं हर जगह मारेगा तुमको, मैं अन्ना की स्टाइल में चाकू चलाएगा। करीना तुम ठीक हो? अयो अम्मा देखो, तुम्हारा वन ब्लड का ब्लड निकलता। मम्मा मम्मा, काहे गिगी आ रही हो? जरा सा लगा है तलवार आर पार नहीं हुआ, और एक तुम टिक के बैठो हमारे सामने, तलवार चलाओगी तुम? तलवार और तुम्हारा वो क्या करती हो तुम, नेल फाइल, उसमें फर्क होता है नेल फाइल और तलवार में, समझ रही हो? एक्शन हीरोइन तुम बनोगी, बचपन से ही तुम ऐसी हो, एकदम जिद्दी, अकल से एकदम पैदल जड़ बुद्धि।
लगा लिया ना खुद को, जब नहीं होता है तो काहे फैंटम बनती हो तुम इतना। हाँ क्या हुआ, आराम नहीं मिला, दर्द हो रहा? ठीक लगता है मौके पे कंटाप मारेंगे, कॉकरोच की तरह यहाँ फड़फड़ाओगी अभी तुम, समझी? तो तुम शूटिंग छोड़ कर आता, तुम वापस जाओ वरना सब गड़बड़ होता। नहीं जाएंगे हम शूटिंग पे। क्यों क्यों? तुम प्रॉमिस किया था ना, और तुमने जो प्रॉमिस किया उसका क्या? हमारी बचपन की दोस्त के साथ जो तुम इतना रूखा व्यवहार कर कर आई हो उसका क्या? वो मार्केट में मिला था, अयो चेपू लेडी, चेपू हमारी बेस्ट फ्रेंड है, समझी तुम? बचपन से हमारे साथ रही है वो, उसने हमारा बहुत साथ दिया है। और तुमने क्या किया उसके साथ? तुमने हमारे साथ किया होता ना एक बार को हम तुम्हें माफ कर देते, लेकिन तुमने हमारी सहेली के साथ जो किया ना उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, और इसका सजा तो तुमको अब भुगतना ही पड़ेगा, समझी?